तो दिए लेके आए थे और शाम को ये घड़ी भी लेके आए थे, एक किचन के लिए एक रूम के लिए। तो ये जो है ये भी नई नई लगा देते हैं, तो बस इनसे मैं बोल रही थी कि ये लगा दो। आज हमारा व्रत था एकादशी का, तो बस शाम को व्रत वाला खाना बना था। इलू ने सोचा था मेले में भी जाएंगे, बट फिर टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे व्रत का खाना बनाना था। तो रोटी सब्जी बनाई थी बस, आलू की हरी चटनी वाली सब्जी और राजगिरी के आटे की रोटी। तो बस मैं इनको बता रही थी कि सीधी है, टेढ़ी है, जो भी है, ये वाली अभी ईलू के रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो बस ये नया नया कर दिया है घर को, अधिकतर नया नया सा कर ही देते हैं दिवाली पे ना, घर नया नया सा हो जाता है। अब पूछो मैम, देखो हम दोनों की हालत क्या हो चुकी है, मेरी तो कुछ अजीब ही लग रही है ना, इन्होंने तो फेस वेस धो लिया। तो अच्छा मैं इनसे पूछती हूँ, ये इस रूम की सेटिंग चेंज कर देंगे कैसे होगी, क्या खास? टेबल की जगह सोफे और सोफे की जगह टेबल कर दें, तो टेबल की जगह सोफे और येलो दीवार की तरफ तो टेबल कर दो और टेबल और जाए वो सोफे कर देते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है। और सोफे उस तरफ शिफ्ट कर दो, करके देख सकते हैं, करने के बाद पता चलेगा स्पेस वेस का और ये सब, एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, चेंज करने के बाद सही लगता है तो कंटिन्यू कर लेंगे, कौन करेगा वो, ये सब तो मैं कर ही लेती हूँ अपने आप से ही, सोफे इधर से उधर करेंगे, इतना काम किया है ये भी करेंगे। देखो ये सजेशन मुझे किसी ने दिया था, अर्चना जी ने, है ना, इसलिए मैं इनका डायरेक्ट तुमसे ही बात कर लूँ। क्यों? क्योंकि है ना इनको लगता है कि घर पे मेरी चलती है लेकिन अधिकतर चलती इनकी है। मैं जो भी कहती हूँ ना, अच्छा ऐसे कर ले, नहीं वो तो ऐसे, ये तो बुरा लगेगा, नहीं ये तो है ना, करते हो ना तुम, है ना, पंचायती करते हो ना हर चीज़ में, है ना। इसीलिए ऑन कैमरा बात कर ली इनसे। उस कमेंट का जवाब मैंने ऐसे दिया, देखते हैं अगर ये करवा देंगे और इनको सही लगा तो कर लेंगे, और नहीं तो देखते हैं। पहले हमारे सोफे वहीं पे थे, है ना, याद है तुम्हें, वो बना बना था तब, है ना, टेबल इसी साइड रख रखी थी जब कंप्लीट नहीं हुआ था ना रूम तब, और मैं उस सोफे पे वहां पे खिड़की के पास ही था बड़ा वाला सोफा, उसमें पड़ी पड़ी रीट की पढ़ाई करती रहती थी, है ना, याद है, उधर ही थे पहले, फिर जब ये कंप्लीट हुआ तब हमने ना इसको इस साइड कर दिया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस आज है 28 तारीख और धीरे धीरे करके जो चीज़ें मीशो से मंगवाई थी ना वो चीज़ें आ गई। देखिए आपको मैंने दिखाया था कि फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया था और अभी पुराने मैट ही उसमें बिछा दिए थे, बट परसों उसके फ्रिज के मैट और कवर जो है वो आ चुका है। तो बस ये खोलते हैं और इसको भी फ्रिज में लगा देते हैं, तो फ्रिज में भी नया नया सब कुछ लग जाएगा। और आज रात तक कोशिश कर रही हूँ कि पूरा घर जो है सब कुछ सज सजाए, जो भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लगानी, ज़्यादा कुछ ताम झाम इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, बट जो जो चीज़ें जैसे डोर मैट में लेके आई हूँ नए तो वो लग जाए, पर्दे वर्दे तो लग गए, है ना। अब सोफ़ा बैक इसलिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ, नए मेरे पास रखे हैं, ऑफ वाइट कलर में है, शाइन में है, और नए कुशन कवर और सब कुछ मैंने मंगवा रखे हैं, बट चूचू ना आजकल सोफे में सोने लगी, जैसे ही सर्दियाँ आती है ना तो चूचू सोफ़ा को अपनी जगह बना लेती, तो मैंने कहा यार थोड़ी सी मैली हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, कल धनतेरस है, मंदिर मेरा हो ही गया, ईलू का रूम भी पूरा क्लीन है, बस एक दो चीज़ें लगानी इस बार, ज़्यादा मैंने कोई भी वॉल स्टिकर और नहीं मंगवाए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें रखी थी उन्हीं को इस दीवार वाली उस दीवार में शिफ्ट करनी है, कुछ इस तरीके से मुझे करना है। नया बेडशीट जो है वो लगाना है, कल मैं इस रूम के लिए भी नया बेडशीट लेके आई हूँ, उस रूम में जो है सोफ़ा बैक लगाने हैं, तो कारपेट लगानी है, टेबल कवर लगाने हैं नए, और कॉर्नर का थोड़ा सा देखना है,
जो कि मैंने इस बार सोचा था ब्लू लटकन लेके आऊंगी, बट सिटी में पैर रखने की जगह नहीं है तो मुझे नहीं मिली, मैं लेके नहीं आ पाई। और मेरी हालत देख रहे हो कैसी हो चुकी है, काम कर करके मार्केट जा जा के एंड तक ये दिवाली का काम और सजावट चलती रहती है। तो किचन का इससे पहले मैं ब्लॉग शेयर कर दूंगी, है ना। और बस फिर मैं अभी फ्रिज के मैट लगा लेती हूँ और उसके बाद दिखा के ऊपर ना मेरी ये दो बास्केट रहती है जिसमें कि मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह का सामान रहता है। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, दिए भी अभी भिगोने, एक गाड़ी में ही लेके चले गए और कलर भी करने हैं। ये साफ़ है किचन तो इधर पे रख देती हूँ, ये बर्तन करने यार ढेर सारे। यहाँ का भी देखो वो वाली जो है ना स्टैंड, उसकी जगह पे वो वाइट वाला आ जाएगा। ये मैंने कल कर ही दिया था, आप लोगों को दिखाई दिया था। अब इसको भी ले लेते हैं, ये कवर भी दूसरा लग जाएगा, ब्लैक की जगह ब्लैक हट जाएगा और ब्लू लग जाएगा। इस बार मैंने ब्लू मंगवाया, दिखा देती हूँ। ये डोर में मेरे तो ऐसा हैंडल तो है नहीं, तो ये तो खैर कोई काम नहीं आते। जो कवर है ऊपर का वो भी मैंने इस पर ब्लू मंगाया है, मैट मुझे ब्लू पसंद आ रहे थे इस वजह से। तो ये देखिए ये है कवर ऊपर का फ्रिज का, ठीक है, इसमें ये मैट है। और फ्रिज खाली खाली ही है अभी, मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं मंगवाई, नहीं फ्रूट्स। अब आज या कल में आएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे पहले ये सब कुछ नया लगा देते हैं। ये पूरा सेट आया था मे बी 150 रुपये या 130 का था, तो नया लग गया ऊपर। अब अंदर भी लगा देते हैं, इधर इधर पे ही लगेंगे। यहाँ तो फिर मुझे लाल ही रखने पड़ेंगे क्योंकि ब्लू चार ही हैं। टेबल वाले मैट लेके आओ ना तब तो 6 आ जाते हैं। अभी ना लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से फ्रिज तो चलता नहीं है, और वैसे भी बंद करके ही लगाने पड़ते हैं। ब्लू लगा लेते हैं इस बार। साइज तो ठीक है, तो लगा दिया फ्रिज में भी नया। पहले मैंने सोचा था ये वॉल स्टिकर भी नए मंगा लूँ, थोड़ा कलरफुल कर लूँ, बट फिर मैंने नहीं मंगवाए। देखो अंदर से अभी लगा दिए ब्लू। अभी कल तक सब्जी और फ्रूट्स ले आएंगे क्योंकि अब दिवाली में चाहिएंगे। कुछ सब्जियां रखी हैं अंदर, तो ये देखिए ये वाली जो आधा स्टैंड था ना ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। तो ये सारी जो भी टूथब्रश वगैरह हैं वो इस पे आ गई हैं बस। तो एक और आ नहीं सकता है, वरना कर सकते हैं, बट ये वॉश बेसिन की वजह से एक और इसमें शेल्फ नहीं आ सकती, मतलब एक लेयर और नहीं लग सकती है। शूज़ वाली जो रैक थी उसको इससे मैंने ढक दिया है, अभी और नया लगा दूँगी। तो एक बार के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये देखिए ये वाली जो शेल्फ है ना इन पे वॉलपेपर लगाऊंगी। कौन सा वाइट, इस बार वाइट ही मंगवा लिया था मैंने। ये देखो ये वाला लगा दूंगी इन तीनों पे। तो ये देखिए ये भी मैंने मंगवाई थी एक बार, तो फ्लिपकार्ट से टूटी भी आ गई थी ना, बट अब मैंने मीशो से मंगवाई थी। 4 का सेट था जिसमें कि 4 तो ये है शेल्फ और इसमें चारों के साथ एक एक के ये साबुन रखने के लिए है, और इसमें सेल्फ एडेसिव हैं ये भी इस टाइप के होके जो भी यहाँ पे लग जाती है ये, तो ये भी लगानी है मुझे। बाथरूम के लिए मैंने मंगवाई थी उस वाले बाथरूम के लिए, तो दोनों में से किसी भी बाथरूम में लग जाएंगे। वॉश बेसिन वाला एरिया जो है वहाँ पे लग सकती है, ऐसे करके और भी मेरे पास रखी हैं, तो वो दिवाली बाद लगाऊंगी या अभी लगा लूंगी, कहाँ मुझे ज़रूरत लग रही तो वो देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स आपने देखा मंडे हो चुका है, मेरा सज चुका है, किचन सज चुकी है, फ्रिज के सब कुछ बदल चुके हैं, और जो वॉश बेसिन एरिया है वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बचता है सोफे वाला रूम और बेडरूम की थोड़ी बहुत, और इलू के रूम की। इलू के रूम में भी पर्दे वर्दे सब सेट कर रखे। अब मैं सोच रही हूँ आज ही जो है, कल धनतेरस है, तो आज ही मैं बेडशीट जो है इसकी बदल दूँ। पिछली धनतेरस दादी ने दिया था ना एक बेडशीट तेरे रूम के लिए, है ना, वो लगा दूँ। मैं लेके नहीं आई क्योंकि इसके पास इतनी बेडशीट है इलू के रूम की कि पूछो मत। इस बार फिर मैंने नहीं ली, तो नहीं रखी थी तो मैंने नहीं ली, क्योंकि हर बार मैं दो दो लेती रहती हूँ। तो अब ये वॉल पे लगा रखे थे मैंने वॉल स्टिकर, बट ये स्पेक्ट्रम वाला माल लगवा रखा है, खरीदा है
तो फिर वॉलपेपर टिके नहीं पिछले साल, लगते बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशनल सारे मैंने लगाए थे। पिछला जो इलू का रूम का है ना वो वीडियो, वो देखना मेकओवर जो मैंने किया था, वो बहुत ही मस्त है। तो अब ये वाली चीजें ना मैंने यहाँ पे लगा रखी थी चार, ये वाली वॉल है ना वहां पे, बट अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि सीलर आती ही आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये चारों जो है वो लगा दूंगी। कील तो नहीं ठोकूंगी बट कोशिश यही करूंगी, पिछले साल भी मैंने सेल्फ एडहेसिव हुक होते ना उनसे लगाई थी, तो ये भी लगा दूं, और उधर पे कुछ और करेंगे। ठीक है, तो मैं ये लगा देती हूँ, प्लस जो नई घड़ियां हम ले आए तो ये बची हुई है, तो ये वाली कहीं लगा दूं, ये यहाँ तो नहीं लगेगी, मैं सोच रही हूँ यहाँ लगा दूं कांच पे, है ना यूं। तो भैया अगर ये बैठती नहीं है, आती नहीं है इस रूम में, बट फिर भी आए तो इसको टाइम का, वैसे मोबाइल में होता है लेकिन फिर भी घड़ी में दिख जाए, तो ये लगा देते हैं। ये लगा दे रही है, ये तो देखो ये लगा दी ऊपर मैंने, है ना। अब मैं लगा दे रही हूँ बेडशीट, वैसे ये दीवान का सेट है पूरा, दो मसनद के चार वो है ना कुशन, और ये है बेडशीट, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बेड ये लगा देते हैं। तो गाइस ये है न्यू सोफा बेड, जिनको कि अभी कट करना पड़ेगा, सारे जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए इस तरीके के हैं ये। मैं इसीलिए थोड़ा सा लगाने में डरती हूँ क्योंकि चूचू थोड़ा सा मैला कर सकती है ना, फिर इनको धोना वरना भी हाथ से पड़ता है। ये कुशन कवर लगा देते हैं टेबल के, देखो ये लाई थी आपको दिखाई नहीं थे, दो वाइट लेके आई थी और एक ये मतलब ब्लू और ग्रीन मिला हुआ जो कलर होता है ये उसमें, हाँ एक्वा कलर है ये, पर्दों जैसा इसका ही है, थोड़ा लाइट होगा भले, तो वो उस टेबल पे लगा देंगे। इस पे तो वाइट अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि जो मैंने कारपेट मंगाई है वो ब्लू मंगाई है, तो ब्लू पे ब्लू तो दिखेगा नहीं, इसलिए वहां पे ब्लू और यहाँ पे वाइट। जो कल दिए लेके आए थे वो ये पानी में थोड़ी देर हम भिगो देंगे, फिर सुखा देंगे, और कल सुबह कर लेगी ना कलर, मैं दूसरे काम कर लूँगी और डेकोरेट मैं करवा दूँगी। ये भी ना बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे दिवाली में बहुत सारे काम होते हैं, भिगोना क्यों जरूरी है। बढ़िया वाला तो लेके नहीं आ पाई, तो फिर मैंने यहाँ से पास से ये मंगवा लिए, तो एक बार के लिए तो चलो कॉर्नर हो ही जाएगा, तो देखो ऐसे लगा दूंगी। तो फिलहाल तो बस इतना ही किया है, देखते हैं कुछ चेंज किया तो देखा जाएगा, अभी तक तो बस इतना एक बार कर दिया। इस दीवार के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया है और कुछ भी समझ आ भी नहीं रहा है, चीज़ें तो रखी हैं बट कुछ अच्छा लग नहीं रहा है,
तो इलू तो प्लेन रखने को ही बोल रही है, तो देखा जाएगा क्या होगा। उधर पे ये लगा दिए,